हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। रात के 11 बज रहे थे और रितिका अकेले सुनसान सड़क पर चलती जा रही थी। उसके दोनों तरफ दूर दूर तक जंगल फैले हुए थे। रितिका बार बार पीछे भी पलट कर देख रही थी और फिर चलती जाती। आज इतनी देर हो गई कि मुझे ऑटो तक नहीं मिला। एक तो पूरा दिन ऑफिस में बॉस ने खराब कर दिया, ऑलरेडी सर दर्द कर रहा है और अब पैर भी दर्द करने लगे। कुछ कदम चलने के बाद, अरे हाँ याद आया, राहुल कुछ कह रहा था। यहाँ आगे कोई बरगद का पेड़ है, वहाँ से शॉर्टकट है जो सीधा हमारी कॉलोनी के पीछे वाली गली में निकलता है। मैं एक काम करती हूँ, शॉर्टकट ले लेती हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगी, वरना तो मैं अगली सुबह ही घर पहुँच पाऊंगी। कुछ आगे जाकर ही रितिका को बहुत ही बड़ा और घना बरगद का पेड़ दिखा और उसे देखकर रितिका खुशी से बोली, बस यहीं से जाना है। वह तुरंत बरगद के पेड़ से लगे पगडंडी पर चल पड़ी जो जंगल के बीच से होकर गुजरती थी। आधे रास्ते पर आने के बाद रितिका को डर लगने लगा था। उसे लग रहा था जैसे दोनों तरफ जंगल से कई जोड़ी आंखें उसे घूर रही है। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। रितिका के बढ़ते कदम अचानक थम गए और उसने पीछे पलट कर देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई साया बड़ी तेजी से गुजरा हो। रितिका का दिल जोरों से धड़कने लगा, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। वह अपने कदम तेज तेज बढ़ाती जा रही थी। तभी उसे बाइक की आवाज सुनाई दी। इस वक्त यहाँ बाइक की आवाज सुनना रितिका के लिए बहुत हैरानी की बात थी, लेकिन पीछे देखा तो पीछे से एक बाइक आ रही थी और वो बाइक रितिका के कुछ आगे जाकर रुकी और बाइक से उतरा एक बड़ा ही गुड लुकिंग सा लड़का। पहले तो रितिका को घबराहट हुई, लेकिन फिर उसने सोचा चलो कोई इंसान तो दिखा। तब तक वो लड़का चलता हुआ रितिका के पास आ चुका था और उसने कहा, आप रात के इस वक्त ऐसी जगह पर क्या कर रही हैं मिस? मेरा नाम रितिका है, मैं आईटी कंपनी में काम करती हूँ। दरअसल आज मुझे लेट हो गया तो मुझे कोई सवारी नहीं मिली और यहाँ से शॉर्टकट है, इसलिए मैं यहाँ से आ गई। इतना कहते कहते रितिका को अचानक से तेज ठंड का एहसास होने लगा। वो अपना हाथ सहलाते हुए अपने मन में बोली, अचानक ठंड कैसे हो गई, अब तक तो सब ठीक था। इतने में वो लड़का मुस्कुराता हुआ अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, मेरा नाम बादल है, इत्तेफाक से आज मुझे भी देर हो गई थी तो मैं भी शॉर्टकट के चक्कर में इधर से जा रहा था, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई। वैसे ये रास्ता रात के वक्त अकेले आने जाने वालों के लिए ठीक नहीं है, जमाना बहुत खराब है, आइए मैं आपको आगे तक छोड़ दूं। पहले तो रितिका को लगा मना कर दे, ऐसे किसी अनजान के साथ जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसे सुनसान जंगल में जानवरों का शिकार बनने से तो अच्छा है कि किसी अजनबी के साथ आगे तक चली जाए। रितिका बादल के साथ उसकी बाइक पर बैठ गई। रास्ते भर बादल अपने बारे में बताता रहा। उसने बताया कि वो जमींदारों के खानदान से है, उसके घर वाले शहर में नौकरी करना, अपने गांव से दूर रहना इन चीजों को पसंद नहीं करते और चाहते हैं कि वो गांव आकर जमींदारी संभाले। लेकिन बादल को अपना करियर बहुत प्यारा था, इसलिए वो अकेला ही यहाँ रहता है और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करता है। बादल अकेले ही बोलता जा रहा था। उसने जरा सा पीछे मुड़कर देखा तो रितिका उसकी पीठ पर सर लगाए अपनी आंखें बंद कर शायद वो सो गई थी। तभी बादल ने अचानक से बाइक को ब्रेक लगाया और ब्रेक लगने से रितिका हड़बड़ाकर उठी। आंखें खोलते ही रितिका ने जो सामने देखा उससे वो कांप उठी। उसने देखा कि बाइक के आगे एक लाइन से कई काले साए खड़े हैं। वो सब सर से पैर तक काले लबादे में थे, सिर्फ उनकी लाल आंखें चमकती ही दिख रही थी। यह देख रितिका कांप उठी। उसने बादल का हाथ पकड़ते हुए कहा, बादल ये सब क्या है? इसलिए मैंने तुमसे कहा था ये जगह रात में अकेले जाने आने के लिए ठीक नहीं है। बादल की आवाज में अजीब सी दर्द थी। रितिका ने बादल की आंखों में देखा तो रितिका के देखते ही देखते बादल की आंखें भी लाल होकर चमकने लगी थी और ये देखकर रितिका चीख पड़ी और चीखती हुई बेहोश होकर गिर गई। अगली सुबह जब रितिका की आंख खोली तो वो अपने घर में थी। अपने बेडरूम में रितिका हड़बड़ाकर उठी और चारों तरफ देखकर बोली, मैं घर कैसे आ गई और वो बादल, वो काले साए। इतने में रितिका की मम्मी कमरे में आई और बोली, अब कैसी तबीयत है? मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मैं घर कैसे आई? मैं तो, हाँ तुम तो जंगल में बेहोश पड़ी हुई थी। वो तो भला हो उस लड़के का, क्या नाम बताया था उसने अपना,
हाँ बादल कह रहा था तुम उसे जंगल में मिली थी और उसने तुम्हें लिफ्ट दी। अपनी बाइक से लेकर आ रहा था और तुम बाइक पर ही सो गई थी और फिर एकदम से चीखने लगी और चीख कर बेहोश हो गई। बहुत डरा हुआ था बेचारा कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। उसने बताया कि तुम्हारी आईडी पर तुम्हारे घर का एड्रेस लिखा था, उसकी मदद से वो तुम्हें घर तक छोड़ने आया। लेकिन बेटा एक बात कहूँ, किसी भी इमरजेंसी में जंगल से मत आया करो। तुम नहीं जानती उस जंगल के बारे में कैसी कैसी अफवाहें उड़ती हैं। कहते हैं वहाँ रक्त चूसों का साया है, जिन्हें तुम अंग्रेजी में वैम्पायर कहती हो। अगर तुम्हारे साथ बादल नहीं होता तो जाने क्या होता। रितिका की मम्मी उसके कमरे से चली गई, लेकिन रितिका अभी भी हैरान परेशान सी बैठी थी। क्या वाकई वो नींद में सपना देख रही थी? उसी वक्त उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया किसी अनजान नंबर से। रितिका ने देखा तो उस पर लिखा हुआ था, आज शाम मैं तुम्हारा इंतजार उसी बरगद के पेड़ के पास करूंगा, बादल। यह देखकर रितिका हैरान थी कि बादल के पास मेरा नंबर कैसे आया। रितिका को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। उसे बादल कुछ सही नहीं लग रहा था और उसने सोचा, कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, पहले से मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसने निकाल ली हो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि आज मैं ऑफिस ही नहीं जाऊंगी। ये फैसला करके रितिका चुपचाप घर में पड़ी रही। उसी रात खाना खाने के बाद जब रितिका अपने कमरे में आई तो उसे लगा जैसे उसके बालकनी में कोई है। पहले रितिका को लगा कि शायद हवा में पर्दा हिला है, लेकिन उसे जब कोई साया नजर आया तो वह धीरे धीरे बालकनी के खिड़की की तरफ बढ़ी। एकदम से बादल सामने आया और बादल को देखकर इससे पहले कि रितिका चीखती, बादल ने रितिका के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चीखना मत वरना तुम्हारे घर वाले मुझे पीट देंगे। तुम यहाँ इस तरह से चोरों की तरह मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैंने तो तुमसे कहा था आज शाम मिलना, तुम आई नहीं तो मुझे फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं आ गया। अच्छा, कल रात ही तो तुम मुझसे मिले हो और तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही थी कि तुम मेरे घर ही आ गए। बादल रितिका को गौर से देखता हुआ बोला, नहीं रितिका, कल से तो तुम मुझे जानती हो, मैं तो तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। सच कहूँ तो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। यह सुनकर रितिका हैरानी से बादल की तरफ देखती रही और बादल ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसके बाद बादल ने अपने फोन में रितिका की ढेरों तस्वीरें दिखाई जो काफी पुरानी थी। तो जाहिर सी बात थी बादल रितिका के पीछे बहुत पहले से था। और बादल आगे बोला, मैं कल भी तुम्हारे सामने नहीं आता क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। तुम जैसी पढ़ी लिखी शहरी लड़की भला मुझ जैसे गाँव के लड़के को क्यों पसंद करोगी। लेकिन कल जब तुम्हें मुश्किल में देखा उस जंगल में तो रहा नहीं गया। बादल की बात सुनकर रितिका हैरान भी थी और उसके चेहरे पर शर्म की लाली भी दिख रही थी। मैं तुमसे कल कॉफी शॉप में मिलती हूँ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे और सच में तुम्हारी पिटाई हो जाए, चले जाओ। जाते हुए बादल ने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर रितिका को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। इतना कहकर बादल जिस तरीके से आया था उसी तरीके से गैलरी से होता हुआ कहीं गायब हो गया। रितिका ने जब वो बॉक्स खोला तो बहुत ही सुंदर सा हार्ट बना हुआ था जिसमें रितिका की मुस्कुराती हुई फोटो थी और उसमें लाइटिंग और म्यूजिक ऐड किया हुआ था। रितिका काफी देर तक मुस्कुराती हुई उसको देखती रही। शाम को जब वो कॉफी शॉप में पहुंची तो बादल पहले से उसका इंतजार कर रहा था और उसे देखकर रितिका बोली, तुम काफी देर से वेट कर रहे हो। काफी देर से नहीं, काफी सालों से। रितिका शर्मा कर मुस्कुरा उठी और फिर अपने बैग से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकालकर, कल तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लूं, ये तुम्हारे लिए। बादल एक्साइटेड होता हुआ उस गिफ्ट को लेकर खोलने लगा और खोलकर देखा तो सिल्वर के पेंडेंट से बना बादल का नाम लिखा हुआ था। उस पेंडेंट को हाथ में लेते ही वह बादल के हाथों से छूट गया। क्या हुआ? बादल जबरदस्ती मुस्कुराता हुआ बोला, कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। इतना कहकर बादल ने जल्दी से वो लॉकेट अपने जेब में रख लिया और अपना हाथ पीछे कर लिया। बादल का हाथ पूरी तरीके से जला हुआ था। रितिका को बादल कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, इतना कहकर वो बड़ी तेजी से चला गया। रितिका को समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ। रितिका के पास से निकलकर बादल हवा की तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। वह उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और अजीब तरीके से आवाज निकालने लगा। बादल की आवाज के साथ ही वहां कई काले साये मौजूद हो गए। उन सब ने बादल को घेर लिया और बादल अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला,
चांदी, चांदी छुआ है मैंने। वह काले साहे बादल के इर्द गिर्द गोल गोल घूमने लगे और फिर उसे घेर कर उसके ऊपर झुक गए। बादल उनके बीच में कहीं छुप जा गया और थोड़ी देर बाद जब वो काले साए हटे तो बादल खड़ा हुआ और अब वो बिल्कुल ठीक था। उसका हाथ भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। बस कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों तक मुझे उस लड़की के आसपास रहना है। जैसे ही हमारा मकसद पूरा हो जाएगा हमें इस तरह छुप कर नहीं रहना पड़ेगा। हम वैम्पायर से एक बार फिर अपनी शर्तों पर जिएंगे। बादल की आंखें लाल हो गई और अपनी दोनों के लिए दांतों के साथ वह बहुत ही खूंखार लगने लगा था। बादल के पीछे एक लाइन से खड़े वो काले लबादे वाले साए आसमान की तरफ देखकर अजीब से आवाज निकालने लगे थे जिससे वो पूरा जंगल कांपने लगा था। बादल रितिका के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाने लगा। कभी वो साथ खाना खाने जाते तो कभी घूमने। जल्द ही रितिका को बादल पर पूरी तरीके से यकीन हो चुका था और रितिका ने फैसला कर लिया था कि वो अपने घर वालों से बादल को मिलवाएगी। लेकिन रितिका का एक्स बॉयफ्रेंड अनुज, जिसे रितिका और बादल की नजदीकी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, वह किसी भी हालत में रितिका को वापस पाना चाहता था। रितिका ने उसकी बुरी आदतों की वजह से ही उसे छोड़ा था और अब अनुज को लग रहा था कि वो कैसे भी करके रितिका और बादल का रिश्ता तोड़वा दे। एक शाम बादल रितिका से मिलकर लौट रहा था और अनुज अपने एक दोस्त के साथ बादल का पीछा करने लगा ताकि वो अकेले में बादल को डरा धमका सके। अनुज बादल का पीछा करते करते जंगल वाले रास्ते में आ चुका था। बादल उसी विशाल बरगद के पेड़ के पास जाकर रुका और अपने साथियों को आवाज देने लगा। जल्द ही कई सारे साहे वहां मौजूद हो गए। बादल अपने साथियों के साथ था तभी उसे लगा जैसे कोई उस पर नजर रख रहा है और उसने देखा दो लड़के जो पेड़ के पीछे छुपे इन लोगों को ही घूर रहे हैं। बादल ने जैसे ही उन लड़कों को पलट कर देखा लड़के वहां से भागे और बादल के होठों पर एक क्रूरता भरी मुस्कुराहट आ गई और वो हवा की तेजी के साथ लड़कों के सामने जाकर खड़ा हो गया। बादल के दो पहने दांत और लाल आंखें देखकर उन दोनों लड़कों की हालत खराब हो गई थी। वह घबराते हुए वहां से भागते इससे पहले बादल ने उन दोनों को दबोचा और उन दोनों के गर्दन पर अपने दांत बारी बारी से चुभा दिए। देखते ही देखते हुए दोनों लड़के लाश बनकर सड़क पर गिर गए और बादल वही जंगलों में कहीं खो गया। अगली सुबह जब रितिका उठी और अपना मोबाइल चेक कर रही थी उसे लगा कि शायद बादल का कोई कॉल मैसेज आया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तभी उसे घर के बाहर बहुत शोर शराबे की आवाज आई। पूछने पर पता चला कि दो लड़कों की मौत उस जंगल में हो गई है। पूरी कॉलोनी में यह अफवाह थी कि यह काम वैम्पायर का है। यह शहर और इसका जंगल सदियों से वैम्पायर से श्रापित रहा है। यह सुनकर रितिका को बादल की और फिक्र होने लगी क्योंकि बादल भी जंगल की तरफ से गया था और तब से उसका कुछ पता नहीं था, कॉल भी नहीं लग रहा था। रितिका तुरंत घर से बाहर निकली और उसी बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ी जहां बादल ने उसे पहले भी मिलने बुलाया था। रितिका वहां काफी देर तक खड़ी रही, आसपास ढूंढती रही, लेकिन उसे बादल कहीं नहीं मिला। उस दिन शाम को जब रितिका ऑफिस से लौट रही थी तो वो जानबूझकर उसी रास्ते से लौटी कि कहीं बादल उसे दिख जाए, लेकिन बादल तो नहीं। लेकिन रितिका को महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। रितिका ने जब पीछे पलट कर देखा तो वही काले साए थे जिन्हें रितिका ने पहले दिन बादल के साथ देखा था। यह देखकर रितिका के हाथ पैर फूल गए। वह पूरी जी जान से वहां से भागने लगी लेकिन वह साए लगातार रितिका के पीछे लगे रहे और रितिका भागते भागते किसी से टकराई और जब उसने देखा तो वह बादल था। बादल को देखते ही वह काले साए जंगल में कहीं गुम हो गए। बादल ये सब क्या था, कौन थे ये और तुम्हें देखकर भाग गए? तभी रितिका की नजर बादल की आंखों पर पड़ी। बादल की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और ये देखते रितिका बादल से दूर खड़ी हो गई। बादल ने अपनी आंखें बंद की और फिर एकदम सामान्य होकर बोला, नहीं तुम शैतान हो। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं शैतान और दरिंदा था। रितिका
तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा ही बादल हूँ। रितिका डरते हुए पीछे खिसकते हुए बोली, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश की। मैंने वो तरीका ढूंढ निकाला है जिससे मैं अपने आप को पूरी तरीके से बदल सकता हूँ। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। रितिका जो कि बादल के प्यार में पूरी तरीके से पागल थी, उसने पूछा, कैसे? क्या तुम इन सब से बाहर आ पाओगे? तुम एक नॉर्मल इंसान बन पाओगे? मैं खुद तुमसे ये बात करना चाहता था। रितिका, मैं एक लाश हूँ जिसकी आत्मा कैद है। बस एक बार मेरी रूह मुझे वापस मिल जाए, फिर मैं भी तुम्हारी तरह इंसान बन जाऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे मेरे सच्चे प्यार की जरूरत है, वह सच्चा प्यार जो मुझे मेरे इस रूप में अपना सके और खुद को पूरी तरीके से मुझे सौंप दे। रितिका को बादल की बात सुनकर बहुत घबराहट हो रही थी। वह बादल को बिना कुछ बोले उल्टे पैर वहां से भागी। पूरी रात रितिका बेचैन रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके दिल में जो बादल के लिए प्यार था, उसे वो इनकार भी नहीं कर सकती थी। और आखिर रितिका ने फैसला ले लिया था कि उसे क्या करना है। उसने बादल को कॉल किया, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। रितिका उस दिन पूरे दिन बादल को कॉल और मैसेज करती रही, लेकिन बादल का कुछ पता नहीं था। दो दिन निकल गए। तीसरे दिन खुद बादल का कॉल आया और रितिका ने रोते हुए कहा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताओ क्या करना होगा मुझे तुम्हें पाने के लिए। आज रात ठीक 12 बजे उसी बरगद के पेड़ के पास आ जाना। आधी रात को चारों तरफ चांद की रोशनी फैली हुई थी। सुनसान रात और जंगल से आते जानवरों की आवाज से रितिका को डर लग रहा था, लेकिन वो फिर भी उस बरगद के पेड़ तक पहुंची तो उसने देखा वहां एक निशान बना हुआ था जो भीतर जंगल की तरफ इशारा कर रहा था। रितिका डरते हुए उस तरफ बढ़ी। वो अब जंगल के बीच पहुंच चुकी थी। वहां बिल्कुल पेड़ पौधा नहीं था, एक मैदानी हिस्सा था जहां एक बड़ा सा गोल कुंड बना हुआ था जिसमें पानी रखा था और उसके चारों तरफ गोल घेर कर काले लवादे वाले साहे खड़े थे। उन सबके बीच में उस कुंड में एक बड़ी विशाल मूर्ति खड़ी थी। वह मूर्ति भी उन्हीं लवादों में ढकी थी। धीरे धीरे चांद की रोशनी बिल्कुल गायब हो गई और वहां अंधेरा फैल गया। रितिका ने ऊपर देखा तो चांद सफेद की जगह बिल्कुल लाल हो चुका था। और तभी एकदम से बादल रितिका के सामने आया। रितिका, देर मत करो, वो देखो ब्लड मून, यही वक्त है जब तुम मुझे वापस इंसान बना सकती हो। जल्दी करो और दिखा दो अपना प्यार। रितिका डरते हुए बोली, मुझे क्या करना होगा बादल? उस कुंड में जाकर खड़ी हो जाओ और वो जो कुंड में पहले से खड़ा है उसके सर पर हाथ रखो और बोलो, मैं अपनी मर्जी से तुम्हें अपनी रूह सौंप रही हूँ, मेरी रूह के बदले तुम आजाद हो जाओ। बादल, मुझे डर लग रहा है। मुझ पर भरोसा रखो। रितिका घबराते हुए उस कुंड की तरफ बढ़ी। रितिका ने जैसे ही उस कुंड में पैर रखा, उसने देखा उन सारे काले लवादों वालों ने अपने अपने लवादे उतार कर फेंक दिए। वो सब दिखने में तो इंसान की तरह ही थे, लेकिन उनके चेहरे सफेद, आंखें लाल और दो पहने दांत। वो सब ऊपर ब्लड मून की तरफ अपना चेहरा करके जोर जोर से शोर मचाने लगे। और बादल रितिका के पीछे खड़ा होकर बोला, रितिका जल्दी करो। रितिका ने कांपते हुए अपना हाथ अपने सामने खड़ी मूर्ति के सर पर रखा और धीरे धीरे बादल की कही हुई बातें दोहराने लगी। मैं अपने पूरे दिल से, अपनी इच्छा से अपनी रूह तुम्हारे हवाले करती हूँ, मेरी रूह के बदले तुम आजाद हो जाओ। रितिका के इतना कहते ही बादल ने रितिका के गर्दन में अपने दांत चुभा दिए। रितिका जोर से चीख पड़ी और ब्लड मून से एक लाल रंग की रोशनी निकली जो पहले से खड़े उस मूर्ति के सर पर पड़ने लगी। और वो मूर्ति टूट गई और एक जीते जागते शक्ल में बदल गई। वहां मौजूद सभी वैम्पायर खुशी से शोर मचाने लगे। वे शख्स रितिका के गर्दन पर बने बादल के दांतों के निशान को देखकर मुस्कुरा उठा। उसने जख्म पर अपनी दो उंगली रखकर अपनी आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाने लगा। रितिका ने अपनी आंखें खोली, लेकिन रितिका अब रितिका नहीं रही थी। उसकी आंखें भी लाल बल्ब की तरह जल रही थी। उठते ही वह जोर से चीखी और उसके दो तीखे दांत बाहर निकले और उसने मुस्कुराते हुए बादल की तरफ देखा। शेफाली ने अपना चेहरा जैसे ही कांच में देखा,
तो उसकी जोरों से चीख निकल गई। कांच में उसके चेहरे की जगह किसी भयानक महिला का चेहरा नजर आ रहा था, मानो किसी ने पत्थर से उस महिला का चेहरा कुचल दिया हो। जगह जगह से खून और मांस लटक रहा था। महिला शेफाली को देखकर जोरों से हंस रही थी। अचानक शेफाली का चेहरा भी उस महिला के चेहरे की तरह भयानक दिखने लगा था। अपना चेहरा देखकर शेफाली की चीख निकल गई। चीख के कारण शेफाली की नींद खुल गई। उसने उठकर देखा तो अपने बिस्तर पर ही थी। सबसे पहले उसने अपने हाथ पैरों को देखा और जाकर कांच में अपने चेहरे को निहारा। चेहरा पहले की तरह ही खूबसूरत था। अपने खूबसूरत चेहरे को एक फ्लाइंग किस देकर शेफाली बोली, शेफाली तुम्हें कोई हक नहीं है तुम इतनी खूबसूरत नजर आओ। तुम्हें देखकर कितने ही लोगों के दिल में छुरियां चल जाती हैं। ऐसे ही नहीं तुम इस कंट्री की टॉप मॉडल हो। जल्द ही अब तुम फिल्मों में भी नजर आओगी। यू आर ग्रेट माई डार्लिंग। शेफाली खुद की तारीफ कर ही रही थी कि मोबाइल में अलार्म बज गया। अलार्म बजने पर शेफाली होश में आई। शेफाली ने अलार्म बंद किया और अपना जिम बैग लेकर जिम के लिए निकल गई। शेफाली इंडिया की टॉप मॉडल में से एक थी। कई बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्रीमेंट उसी के पास है। किसी कंपनी का काम करने से मना कर देती थी, उसके बाद ही कंपनी किसी और मॉडल के पास जाती थी, वरना सबकी पहली पसंद शेफाली ही थी। जिम में एक्सरसाइज करते हुए उसकी निगाहें राधिका पर गई। दुबली पतली खूबसूरत सी लड़की, उसके चेहरे पर आई पसीने के बूंदे उसे और खूबसूरत बना रही थी। सबसे बड़ी बात, वह हंसते हुए सबसे बातें कर रही थी। उसे देखकर शेफाली ने जिम ट्रेनर को इशारे से अपने पास बुलाया। हे मैगी, वो लड़की कौन है? किसकी बात कर रही हो? वही लड़की जो वेट लिफ्टिंग कर रही है। ओ, वो तो राधिका है। पिछले हफ्ते से यहाँ पर जिम ट्रेनिंग के लिए आ रही है। अभी तुम एड शूट के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है मार्केट में एक नई फेयरनेस क्रीम आने वाली है। सुना है उस कंपनी के लिए मॉडलिंग यही करेगी। शेफाली के होते हुए कोई और लड़की ब्यूटी प्रोडक्ट की मॉडलिंग कैसे कर सकती है? ब्यूटी प्रोडक्ट की मॉडलिंग तो शेफाली का हक है। आखिर शेफाली से खूबसूरत कोई नहीं। बिना मेरी जानकारी के ऑडिशन कैसे हो गए? पता करना पड़ेगा। केवल फेयरनेस क्रीम का ऑडिशन ही नहीं, उसके खूबसूरत बाल देखे हैं। हाउ ब्यूटीफुल सी इज, हेयर ऑयल के लिए भी मॉडलिंग करने वाली है। उस लड़की के लिए तारीफ सुनकर शेफाली गुस्से में उसकी ओर देखने लगी। तुम कितने सालों से मुझे जानती हो फिर भी उस लड़की की तारीफ कर रही हो? ये लड़कियां सिर्फ दो दिन के लिए ही मॉडलिंग कर सकती हैं, लंबे समय तक मेरे मुकाबले में नहीं टिक पाएंगे। शेफाली, इतना गुरूर भी अच्छा नहीं है। तुम इतने सालों से यहाँ पर आ रही हो मगर तुमने कभी किसी से बात करने की कोशिश नहीं की। मगर उस लड़की को देखो, केवल 8 दिनों में जिम में आने वाले सभी लोग उसके दोस्त बन गए हैं। शेफाली गुस्से में मैगी की ओर देखने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। आज तो मेरे सामने किसी लड़की की तारीफ कर दी, मगर आज के बाद किसी की तारीफ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शेफाली इज बेस्ट। कहकर शेफाली अपना जिम बैग उठाकर अपने घर गई। गुस्से में उसे कोई होश नहीं था। गुस्से में अपने घर के बार में गई और रेड वाइन पीने लगी। अचानक से ध्यान आया कि रेड वाइन से नहाने से त्वचा भी खूबसूरत हो जाती है। उसने रेड वाइन से बाथटब भरा और उससे नहाने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कुछ दिनों बाद शेफाली को हर ओर से राधिका की तारीफ सुनने को मिल रही थी। अब राधिका का क्रेज सभी कंपनी को हो रहा था। धीरे धीरे सभी लोग शेफाली को भूल रहे थे। ये बात उसको खटक रही थी। कैसे भी उसे अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस हासिल करनी थी। अपने घर पर एक कोने में बैठे वह सोच रही थी। सोचते हुए अचानक वह बहुत जोर से हंसने लगी। उसके हाथ में वाइन का गिलास था, जिसे उसने हाथों में ही तोड़ दिया। उसके हाथों से खून निकलने लगा। अपने हाथों के बहते हुए खून को वह चाट रही थी। अगले दिन जिम में जब वो राधिका से मिली तो बिल्कुल बदली हुई थी। मुस्कुराते हुए उसने आगे बढ़कर राधिका को गले लगा लिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ राधिका। जब मैं नई नई इंडस्ट्री में आई थी ना, तब मैंने भी तुम्हारी तरह मेहनत करके अपना मुकाम हासिल किया था। ईश्वर करे तुम्हें भी जल्द ही कामयाबी की मंजिल हासिल हो। शेफाली की बातें सुनकर राधिका मुस्कुराई, मगर मैगी आश्चर्य से उन दोनों की ओर देख रहा था। वो लड़की कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती, आज मुस्कुराकर किसी को गले लगा रही है। जरूर कोई ना कोई तो राज होगा। मगर शेफाली सच में बदल चुकी थी। वह राधिका से ही नहीं बल्कि सबसे हंसकर मिलती थी। लगता है इस नकचड़ी को अकल आ गई है। हमेशा खुद में ही गुम रहने वाली लड़की आज दूसरों की इज्जत कर रही है। हाँ यार, बात तो तुम्हारी सही है।
मैं भी पिछले 4 सालों से इस जिम में आ रहा हूँ, मगर कभी शेफाली को किसी से हंसते हुए बात करते नहीं देखा। कुछ दिनों के बाद शेफाली जिम में अनाउंस करती है, हे गाइस, मुझे मॉडलिंग में आए हुए 6 साल हो गए हैं। आज से 6 साल पहले मैंने अपना एड साइन किया था। इन 6 सालों की कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने अपने फार्म हाउस पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। आप सब लोग भी पिछले 5 सालों से मेरी फिटनेस जर्नी का हिस्सा रहे हो। यदि आप लोग मेरी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। शेफाली बुलाए और हम लोग ना आए, ऐसा हो सकता है? हम लोग उस पार्टी में जरूर आएंगे। शेफाली सभी लोगों को इनवाइट करने के बाद राधिका के पास स्पेशली पहुंचती है और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, राधिका प्लीज तुम्हें कल जरूर आना है, मेरा खूबसूरत फार्म हाउस तुम्हें बहुत पसंद आएगा। क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। राधिका के हाँ कहने पर शेफाली चेकिंग रूम में अपने हाथ की लगी चोट को फिर से खोदकर खून निकालकर चाटने लगी। अगले दिन सभी लोग शेफाली की पार्टी में पहुंचे। पार्टी में बहुत रौनक लगी हुई थी, ढेर सारे रिपोर्टर्स भी वहां मौजूद थे, सभी पार्टी को कवर कर रहे थे। शेफाली, हमने सुना है कि अब आपको कोई नया ऐड नहीं मिल रहे हैं। शेफाली गुस्से में उस रिपोर्टर की ओर देखती है। तुम रिपोर्टर के पास किसी की पर्सनल लाइफ में झांकने के अलावा कोई काम नहीं होता क्या? यहाँ इतने सारे सेलिब्रिटी आए हैं, उनके बारे में बात करने के बजाय मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर रहे हो। मैम, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो केवल इतना जानना चाहते हैं कि आपने ऐसी पार्टी 2 साल पहले रखी थी जब आपके करियर को बीट करने के लिए नई मॉडल चारुलता आई थी। उस पार्टी के बाद चारुलता का कोई अता पता नहीं मिला। इस पार्टी के बाद नई उभरती मॉडल राधिका भी गायब ना हो जाए। अपनी जुबान पर लगाम दो, अपनी हद भूल रहे हो। सब जानते हैं चारुलता ने पार्टी की रात में बहुत सारी ड्रिंक कर ली थी। इतनी मुफ्त की शराब उसे हजम नहीं हुई और ना जाने कहां जाकर मर गई। मिडिल क्लास लोगों को जब भी मुफ्त का मिलता है तो उन्हें आसानी से हजम नहीं होता। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। पार्टी पूरे शराब पर चल रही थी, सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। शेफाली अपने हाथ में एक ड्रिंक लेकर राधिका के पास पहुंची। राधिका, ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? पार्टी एंजॉय करो, हैव ड्रिंक प्लीज। नो मैम, आई कांट ड्रिंक। तुम अभी अभी इंडस्ट्री में आई हो, तुम्हें शायद पता नहीं कि पार्टी में ड्रिंक को ना नहीं किया जाता। लेट्स ट्राई इट। सॉरी मैम, मैं नहीं ले सकती हूँ। कोई भी प्रोफेशन आपको कुछ भी ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर सकता जो करना आपकी मर्जी के खिलाफ हो। फिर तो ये ड्रिंक है, वैसे भी सेहत के लिए हानिकारक है, जानबूझकर सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों? राधिका की बात सुनकर शेफाली मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है और बाथरूम में जाकर दोबारा कांच के गिलास से अपने हाथ का घाव खोद लेती है और निकलता हुआ खून पीने लगती है। मनी मन सोच रही थी कि राधिका तो ड्रिंक भी नहीं करती, अब इसे रास्ते से कैसे हटवाऊंगी। पार्टी खत्म होने वाली थी, सभी लोग जाने लगे। शेफाली ने राधिका को रोका और कहा, अरे तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? पहली बार मेरे फार्म हाउस पर आई हो ना, रुको मैं तुम्हें अपना पूरा फार्म हाउस घुमाऊंगी। पहाड़ों के बीच होने के कारण सुबह यहाँ का सनराइज का नजारा बहुत खूबसूरत होता है। नहीं मैम, आप खामखा परेशान हो रही हैं, मैं फिर कभी आऊंगी, अभी इजाजत दीजिए। राधिका की बातें सुनकर शेफाली को गुस्सा आ रहा था। कभी ड्रिंक नहीं करना, कभी रुकना नहीं, इस लड़की के नाटक कितने ज्यादा है। मगर फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, राधिका मैं आसानी से किसी की ओर दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाती, मगर ना जाने क्यों तुम्हें देखकर लगा कि तुम मेरे लिए अच्छी दोस्त साबित होगी। क्या तुम अपनी नई दोस्त की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? राधिका शेफाली की इमोशनल बातों में आकर फार्म हाउस पर रुकने के लिए मान जाती है। सभी मेहमानों के जाने के बाद राधिका और शेफाली करीब बैठे थे। राधिका, तुम ड्रिंक तो करती नहीं हो, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए प्लेन सोडा भी नहीं पी सकती हो? राधिका ने मुस्कुराकर सोडा का ग्लास अपने हाथों में ले लिया। दोनों बातें करते करते छत पर पहुंच गए। छत के पीछे खाई थी। आपने बिल्कुल पहाड़ी के किनारे पर अपना फार्म बनाया है, आपको यहाँ से डर नहीं लगता? डर? कैसा डर, मैं तो अक्सर यहाँ रात में आती हूँ और घंटों इस खाई को निहारती रहती हूँ। आओ मेरे पास, हम लोग यहाँ छत के कोने पर बैठकर बातें करेंगे। मुझे इस तरह की ऊंचाई से डर लगता है, मैं यहीं ठीक हूँ। अब शेफाली का सब्र जवाब दे चुका था। उसने राधिका को घसीटते हुए छत के कोने पर खड़ा करने की सोची, मगर शेफाली अपनी पूरी ताकत लगाकर भी राधिका को उसकी जगह से नहीं हटा पा रही थी। उसने पलट कर देखा तो राधिका की जगह चारुलता खड़ी थी, सड़ी हुई लाश जो जगह जगह से कुचली हुई थी। चेहरा तो इतना भयानक मानो किसी ने पत्थर से कुचल दिया हो। जगह जगह से खून आ रहा था। उसे देखकर शेफाली ने उसका हाथ तुरंत छोड़ दिया और 2 कदम पीछे होती, मगर चारुलता हंसते हुए आगे बढ़ने लगी। क्या हुआ शेफाली, मुझे यहाँ से धक्का नहीं दोगी? अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ ना मुझे,
हटा दो। लो, मैं खुद तुम्हारे करीब आ रही हूँ। चारुलता जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, शेफाली पीछे हटने लगी। शेफाली दीवार के एकदम कोने पर पहुँच गई थी। मुझे माफ कर दो चारुलता, मुझसे गलती हो गई। इस जगह से फेंका था ना तुमने मुझे, किसी को मेरी लाश भी नहीं मिली। आज तुम भी मरोगी, लेकिन मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगी, बल्कि उससे भी बदतर सजा दूंगी। गुमनाम मौत तुम्हारे लिए बहुत छोटी सजा होगी। इसे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड है। इसकी सजा यही है कि इसकी सुंदरता खत्म हो जाए। कहते हुए चारुलता ने शेफाली का पूरा शरीर नोच दिया, खासकर उसका चेहरा जो उसकी खूबसूरती का घमंड था। चारुलता, इस तरह अधमरा करके मत छोड़ो, मुक्ति दे दो मुझे भी। गुमनाम मौत नहीं, गुमनाम जिंदगी अब तुम्हारी सजा होगी। ना तुम ठीक से जी पाओगी और ना ही मर पाओगी। किसी के सामने जाने में भी तुम्हें शर्म आएगी। तुम्हारे कर्मों की सजा है कि तुम जीवन भर अकेली रहो। चारुलता के श्राप के कारण शेफाली अब बदरंग जिंदगी जीने पर मजबूर हो गई। एक दो बार मरने की कोशिश करी तो चारुलता की आत्मा ने उसे मरने नहीं दिया। मैक्सिको के शानदार होटल रूम में बैठे हुए तीन दोस्त मैक, सैम और जिमी अपने अपने मोबाइल और लैपटॉप पर बड़ी ही गंभीरता से कुछ सर्च कर रहे थे। तभी जिमी एक्साइटेड होते हुए अपना फोन दिखाकर बोला, गाइज ये देखो मुझे क्या मिला है। मुझे पता है हमें अपना काम सबसे पहले कहाँ से शुरू करना है। डॉल आइलैंड, हम दोनों भी उसी के बारे में देख रहे हैं। घोस्ट हंटर के तौर पर यह हमारा पहला आउट ऑफ कंट्री प्रोजेक्ट होगा, और अगर इसमें हम सक्सेसफुल रहे, ट्रस्ट मी, हमारा नाम वर्ल्ड बेस्ट घोस्ट हंटर्स में आएगा। आई कांट वेट कि हम लोग डॉल आइलैंड पर जाकर उन डॉल्स के बीच में क्या राज छिपा है वो ढूंढे। तभी रूम का बेल बजा और जिमी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक बड़ी ही खूबसूरत सी नीली आंखों वाली मैक्सिकन लड़की खड़ी थी। जिमी पहले तो कुछ देर तक उस लड़की को घूरता रहा और फिर उसने पूछा, यस मिस, टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाय, माय नेम इज अलीना, यू गाइस आर फ्रॉम इंडिया, राइट? यस, वी आर फ्रॉम इंडिया, बट हाउ? जिमी इतना बोला ही था कि उस लड़की ने जिमी को एक तरफ किया और कमरे में आकर सोफे पर बैठी हुई बोली, तुम लोग मुझसे हिंदी में बात कर सकते हो, तुम्हें कोई मैक्सिकन टू इंग्लिश और हिंदी गाइड चाहिए थी ना? मैक्स उस लड़की के फ्रैंक अंदाज से बड़ा ही इम्प्रेस दिख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हमें डॉल आइलैंड घूमने के लिए गाइड तो चाहिए थी, बट हमें नहीं पता था कि यहाँ की गाइड खुद डॉल जैसी होती होगी। इतना कहकर मैक्स अलीना को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। मैक्स की बात सुनकर अलीना उसकी आंखों में देखती हुई बोली, और तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ की डॉल सिर्फ डॉल्स नहीं होती। डॉल से बच कर रहो, क्या पता किसी डॉल की नजर में आ गए तो वो तुम्हें उसी डॉल आइलैंड पर लेकर चली जाए। अलीना ने इस बात को इस तरीके से कहा था कि मैक्स को पसीना आने लगा था। उसने घबराकर पूछा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अलीना हंसते हुए उठकर खड़ी हो गई और बोली, कल सुबह तुम लोग रेडी रहना, और वो चली गई। रात में खाना खाने के बाद सैम, जिमी और मैक्स अपने अपने रूम में जाकर लेट गए। अगली सुबह के लिए ये लोग बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्होंने जितना डॉल आइलैंड के बारे में सुना था वह बहुत ही रोमांचक था। मैक्स अपने कमरे में बेसुध सा सोया हुआ था, तभी आधी रात के करीब ऐसा लगा जैसे उसके कमरे का दरवाजा खुला है और कोई धीरे से उसके कमरे में आया है। मैक्स ने आंखें खोली तो उसके कमरे में अंधेरा था। उसने नाइट बल्ब जलाकर देखने की कोशिश की, लेकिन उसके कमरे में कोई नजर नहीं आया। मैक्स जैसे ही दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, उसके कमरे में किसी छोटी बच्ची के हंसने की आवाज गूंजने लगी। यह आवाज सुनकर मैक्स घबराकर उठकर बैठ गया और डरते हुए बोला, कौन है, कौन है यहाँ? मैक्स को अपने कमरे में टक टक की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई लकड़ी या प्लास्टिक के जूते पहनकर चल रहा हो। इससे पहले कि मैक्स कुछ समझ पाता, उसका बेड जोर जोर से हिलने लगा और उसके बेड के नीचे से किसी के हंसने की आवाज गूंजने लगी। मैक्स तुरंत अपने बेड से नीचे उतरा और उसने धीरे से झांक कर अपने बेड के नीचे देखा। जैसे ही अपने बेड के नीचे देखा, खौफ से पीछे हो गया।
उसके बेड के नीचे बहुत सी डॉल बैठी खिलखिलाकर हंस रही थी और देखते ही देखते वो डॉल मैक्स के चारों तरफ आ गई। कमरे में आने वाले टक टक की आवाज उन डॉल्स के चलने से हो रही थी। डॉल्स उसके सर पर चढ़ गई और उसके कंधे पर कूद गई और मैक्स के कान में जोर जोर से हंसने चिल्लाने लगी। मैक्स उन्हें इधर उधर हटाने लगा। छोड़ दो, दूर हटो। उसकी नजर सामने बेड पर गई जहाँ बैठी अलीना हंसते हुए कह रही थी, क्या हुआ तुम्हें जो डॉल बहुत पसंद है ना? मैक्स की आंखें डर से बड़ी हो गई। जिमी, सैम, मुझे बचाओ। जिमी जोर से चीख रहा था, मुझे बचाओ। उसकी आवाज पूरे लॉबी में जिमी लगी थी। सैम, जल्दी मुझे बचाओ। के अलावा होटल के स्टाफ और आसपास के रूम से भी कुछ लोग उसके कमरे के दरवाजे को पीटने लगे थे। मैक्स की ऐसी हालत नहीं थी कि वो अपने कमरे के दरवाजे को खोल पाता और होटल स्टाफ ने कमरे के दरवाजे को तोड़ा तो देखा कि मैक्स अपनी आंखों को बंद किए चिल्ला रहा है। जिमी और सैम उसके पास आए और उसको हिलाते हुए बोले, मैक्स क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैक्स ने जब अपने दोस्तों को देखा तो घबराते हुए बोला, वो अलीना यही थी, उसके साथ बहुत सी डॉल्स थी, वो डॉल्स मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। अब वो दोनों कमरे में चारों तरफ देखने लगे। जिमी बोला, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैक्स को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या है। हम जब से इंडिया से निकले हैं तुम सिर्फ डॉल्स और आइलैंड के बारे में पढ़ रहे हो, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे रूम में आकर सो जाओ। सैम उसे अपने रूम में लेकर चला गया। उन सबके मैक्स के कमरे से निकलते ही मैक्स के कमरे के दरवाजे पर एक गुड़िया ने झांक कर देखा और मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह भी मैक्स बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। सैम और जिमी उसे चेयर अप कर रहे थे। सैम ने कहा, अब तू अपने सपनों की जगह पर जाने वाला है डूड, बस कुछ ही देर की बात है, जैसे ही अलीना आएगी हम सब निकल जाएंगे। शट अप गाइस, ये कोई मजाक नहीं है, मैंने कल अलीना को देखा था। अरे अभी पता चल जाएगा, एक बार अलीना आ जाए। तभी दरवाजा नॉक हुआ। लगता है अलीना आ गई। जिमी ने जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा सामने होटल के स्टाफ के साथ उन्हीं की उम्र का एक लड़का खड़ा था। यस टेल मी सर, डिड यू नीड अ गाइड टू गो टू डॉल आइलैंड? दिस इज मिस्टर ज़ेवियर, ही विल बी योर गाइड। ये सुनकर जिमी के होश उड़ चुके थे। उसके ही नहीं, रूम में बैठे मैक्स और सैम ने जब ये सुना तो वो दोनों भी घबरा गए थे। But our guide was Miss Alina, who met us last evening. Where is she? No man, I am your tour guide come translator, Mexican to Hindi and English. Okay, come in. Xavier अंदर आया तो उसने देखा मैक्स और सैम दोनों ही जिमी की तरह नर्वस लग रहे थे। Xavier ने पूछा, Hey guys, what happened? क्या तुम लोगों को मेरा यहाँ होने से प्रॉब्लम है? मुझे लग रहा है मैक्स कल रात को जो बात कर रहा था वो सही था, कहीं वो लड़की, ओह माय गॉड, मतलब हमारे यहाँ आते ही हमारे साथ वो एक्सपीरियंस हुआ है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। चुप रहो, अभी मैक्स ये सुन लेगा तो वो आइलैंड पर नहीं जाएगा और हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। तीनों ही ज़ेवियर के साथ डॉल आइलैंड के लिए निकल गए थे। उन्हें हर जगह केवल डॉल ही डॉल दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी डॉल्स कुछ कहना चाहती हैं, वो बोल रही हैं। कभी कभी तो उन्हें ऐसा भी लग रहा था जैसे वो हंस रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं, कभी किसी की पलक झपकती हुई महसूस हो रही थी। ज़ेवियर इन तीनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखता हुआ बोला, Guys, don't be afraid. ये बोलते हुए अचानक ज़ेवियर को लगा, इसको क्या हो रहा है, ये आउट ऑफ बैलेंस क्यों हो रहा है, कम ऑन। ज़ेवियर पूरी कोशिश कर रहा था कार को सीधी चलाने की, लेकिन उसकी कार अपने आप एक तरफ मुड़ गई और ये देखकर मैक्स और उसके दोनों दोस्त बहुत घबरा गए। मैक्स घबराते हुए बोला, ज़ेवियर ये क्या है? ज़ेवियर को लगा कि कहीं ये लोग बहुत ज्यादा डर ना जाए, इसलिए उसने कहा, जस्ट किडिंग मैन, अब मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी जगह ले जाएगा। हालांकि ज़ेवियर के चेहरे पर घबराहट साफ बता रही थी कि उसे खुद नहीं पता कि कार कहां जा रही है। इस वक्त ये लोग एक घने जंगल में थे जहां पर बहुत पुराने पुराने और अजीबोगरीब आकृति के पेड़ लगे हुए थे जो अपने आप में बहुत ही डरावने थे। सूरज की रोशनी वहां बहुत कम पहुंच रही थी,
उसी से दूर एक टूटा फूटा कॉटेज था। मैक्स चारों तरफ देखता हुआ बोला, ऐसी जगह पर ये कॉटेज कैसे? उसके इतना कहते ही जेवियर कोई जवाब नहीं देता। उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। जेवियर ने बहुत कोशिश की गाड़ी स्टार्ट करने की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। और उसने घबरा कर कहा, ओ गॉड, अब यहां से हमें पैदल ही आगे बढ़ना होगा। जल्दी निकलो यहां से, ये जगह सेफ नहीं होता। जेवियर कार से उतरा और इन सबको भी जल्दी उतरने को बोलकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। आखिर क्यों यहाँ हर जगह ऐसा मंजर देखने को मिलता है? इस आइलैंड में सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस यही है। कहते हैं इस पूरे आइलैंड की डॉल्स यहीं से कंट्रोल होती है। इस जगह पर डॉल्स की स्पिरिट होती है जो रात को यहाँ से बाहर जाती है और अलग अलग डॉल्स को जिंदा करती है। फिर सुबह होते होते वापस वो स्पिरिट यहाँ लौट कर आ जाती है। ये चारों उस कॉटेज के आगे से गुजर रहे थे, तभी मैक्स को लगा जैसे कॉटेज की खिड़की में कोई खड़ा है। मैक्स ने गौर किया तो उसकी खिड़की पर अलीना मुस्कुराती हुई नजर आई। उसकी मुस्कान से मानो वो सम्मोहित हुआ और उस कॉटेज की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद जैसे ही वो सपनों से बाहर आया, उसने चारों तरफ अपने दोस्तों को देखा, लेकिन उसे उसके दोस्त नहीं मिले। मैक्स पूरी जान से वहां से भागा। उसे नहीं पता था वो कहां भाग रहा था, बस वो भागता जा रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी भी तरह भागता पर वो वापस उसी कॉटेज के पास आता और जोर जोर से सांसें लेने लगा। गॉड, ये कहां फंस गया मैं? तभी उसके पीछे से अलीना की आवाज आई, तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। तुम्हें जो डॉल पसंद है ना, और आखिर डॉल आइलैंड आकर तुम्हें तुम्हारी डॉल तो मिलनी ही चाहिए। अपने पीछे अलीना को देखकर मैक्स को पसीने आने लगे। उसने डरते हुए कहा, नहीं, देखो मुझे माफ कर दो। मैं मैक्स के बोलते ही बोलते उसके सामने अलीना जो एक लड़की थी वो डॉल में तब्दील हो गई और धीरे धीरे चलती हुई मैक्स के नजदीक आई और एकदम से उसके गर्दन को फाड़ कर किसी छोटी बच्ची की तरह बोली, लेकिन तुम तो मुझे पसंद आ गए और इस कॉटेज में मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए अब तुम मेरे साथ रहोगे, मेरी तरह डाल बनकर। सैम और जिमी जो आगे बढ़ रहे थे, उन्हें मैक्स के चीखने की आवाज आई। उन्होंने जब पीछे पलट कर देखा तो मैक्स नहीं दिखा। कहीं वो कॉटेज में तो नहीं चला गया? जेवियर के साथ सैम और जिमी दोनों ही उस कॉटेज तक भागते हुए आए, लेकिन उन्हें वहां मैक्स नहीं दिखा। तभी सैम की नजर मैक्स के जूतों पर पड़ी। मैक्स के शू तो यहाँ है, इसका मतलब वो कहीं कॉटेज में तो नहीं गया। चलो जल्दी देखते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। देखो मैंने कहा था ना, ये सबसे डेंजर प्लेस है, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकलो, वरना हम में से कोई यहाँ से लौट कर नहीं जाएगा। हम यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्स कॉटेज में ही है। देखो माय फ्रेंड्स, इस जगह पर एक मिनट भी नहीं रोक सकता, और मैं तुम लोगों को बता दूं कि पुलिस भी कुछ नहीं कर सकता है। तुम लोगों को अगर अपने मन का पीस के लिए पुलिस का हेल्प चाहिए तो तुम लोग ले सकता है। आखिर है क्या इस जगह पर? ये पूरा आइलैंड गुड़ियों से भरा हुआ है, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इतने सारे लोग यहाँ आते हैं, वो सब तो गुम नहीं हुए। गाइस, मैं तुम लोगों को पहले बताना चाहता था, लेकिन तुम लोग मेरा बात नहीं मानता। ये आइलैंड सिर्फ इसलिए फेमस नहीं है कि यहाँ पर डॉल्स टंगी हुई है। इस जगह पर जो डॉल्स है वो नाइट में उनकी रूह निकलकर शहरों में घूमती है और इंसानों को चुनती है और उन लोगों को यहाँ तक लेकर आते हैं और फिर डॉल्स बना देते हैं। हो ना हो तुम्हारा वो दोस्त मैक्स इन डॉल्स के चपेट में आ गया है। तुम बता रहा था ना कल तुम्हारे पास कोई गाइड आई थी। हो ना हो वो कोई ह्यूमन नहीं थी, वो डॉल थी जो अपने शिकार की तलाश में निकली थी और उसने तुम्हारे दोस्त को सेलेक्ट किया था। क्या बकवास है ये, ऐसा कुछ नहीं होता। माना हम घोस्ट हंटर्स हैं, हमारा काम है भूतों को पकड़ना, लेकिन हम भी जानते हैं इस तरह की कोई चीज नहीं होती। ये सब बस लोगों को डराकर पॉपुलर होने का तरीका है। तभी जिमी को लगा जैसे कोई उसे आवाज दे रहा है। उसने जब देखा तो उसे कॉटेज के विंडो पर अलीना के साथ मैक्स खड़ा दिखा और देखते ही देखते दोनों डॉल में बदल गए। ये सब देख तीनों डर गए। जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, अचानक गाड़ी के छत पर कुछ गिरने की आवाज आई। वह छत से होते हुए बोनट पर आ गिरी।
यह तीनों खौफ भरी नजरों से बोनट पर गिरे उस चीज को देख रहे थे जो कि एक डॉल थी और उसने बिल्कुल मैक्स की तरह ही कपड़े पहने हुए थे। गाइस, हम साथ आए थे तो साथ ही रहेंगे। इतना कहकर वो डॉल हंसने लगी। जेवियर ने पूरी स्पीड से गाड़ी स्टार्ट की और वो डॉल एक तरफ गिर गई, लेकिन उसके पीछे डॉल की भयानक हंसी रह गई। एक लड़का तेजी से सड़क पर भागे जा रहा था। उस अंधेरी रात में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बीच जंगल में से गुजरती हुई रोड के अगल बगल लंबे घने पेड़ थे। वहां पर केवल उसके भागने से ही हो रही कदमों की आवाज और उसके हांफने की आवाज आ रही थी। दूर कहीं मानो कोई रो रहा था। धीरे धीरे किसी के सिसकने की आवाज तेज होती जा रही थी। दूर तक भागने के बाद वो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और मुड़कर देखने लगा। कोई उसके पीछे तो नहीं है, मगर वहां दूर तक किसी को ना देखकर उसे चैन की सांस आई, मानो किसी मुसीबत को बहुत पीछे छोड़ आया हो। तभी किसी ने उसके कंधे पर धक्की दी। उसे लगा कि पेड़ के पीछे कोई है। जैसे ही उसने झांक कर देखा, वहां कोई नहीं था। वह इधर उधर उस शख्स को ढूंढने लगा जिसने उसके कंधे पर थपकी दी थी। तभी उसके ऊपर पेड़ पर से पानी टपकने लगा। उसने वो पानी की बूंदे हाथ में ली तो वो पानी नहीं बल्कि खून था। स्याह लाल खून। खून देखकर उसकी चीख निकल गई। चीख सुनकर उस पेड़ पर से एक साथ कई सारे चमगादड़ उड़ने लगे। उनके एक साथ उड़ने से वहां का शांत माहौल बेचैनी देने वाले शोर में बदल गया था। कुछ पल के बाद शांति हो गई, मगर अभी भी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ा। तब उसे दोबारा एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है, मगर उसने पलट कर नहीं देखा। जिसकी लंबी सी नाक थी, कटा फटा चेहरा और आंखों से खून बह रहा था, वो भयानक चुड़ैल थी। इस तरह उसे अचानक अपने सामने देख लड़का दो कदम पीछे हट गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मगर बुढ़िया ने वहीं खड़े खड़े अपने हाथ को बढ़ाया और अपने नाखूनों से उसका चेहरा नोच लिया। उसे अपने शरीर पर किसी के चलने का एहसास हुआ तो उसकी नजर अपने चारों तरफ पड़ी। वह चारों तरफ से बड़ी बड़ी मकड़ियों से घिरा हुआ था। सारी मकड़ियां उसके ऊपर चढ़ने लगी और उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। एक ही पल में मकड़ियों ने उसके शरीर का पूरा मांस खा लिया। हड्डियों का कंकाल छोड़कर वहां से गायब हो गई। क्या बकवास है ये? लैपटॉप बंद करते हुए विभा ने अपने पास बैठे वैभव से कहा। इसमें बकवास क्या है, अच्छी भली तो कहानी है। कितने इंटरेस्टिंग तरीके से वो भूतनी सामने आई थी। ओह, देखकर तो मुझे अभी भी डर लग रहा है। मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए थे उसे देखकर। दिल जोरों से धड़क रहा था। ओह, ये भूत प्रेत ना सब बकवास बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो मूवी बनाकर लोगों को डराते हैं फिल्म मेकर्स। तूने कभी सुना है कि ये लोग सच में होते हैं? क्या कभी किसी ने देखा है इनको? वैभव गुस्से में विभा की ओर देखने लगा और बोला, तू मान या मत मान, भूत तो होते हैं। कहते हुए उसकी आंखें लाल हो गई। मैं नहीं मानती। हाँ, जल्दी तुझे इन सब के होने का एहसास होगा, तब तू मेरी बातों पर यकीन करेगी। हाँ, कराओ मुझे एहसास, तभी तुम्हारी बात मानूंगी। कहते हुए विभा जोरों से हंस रही थी। कुछ दिनों बाद रात के 10 बज रहे थे। अपनी एक मीटिंग खत्म करते करते विभा को निकलने में देर हो गई थी। वो कार में बैठकर खुद से बोली, विभा मैडम, इट्स टू लेट। 10 तो आपको पुणे में ही बज गए, मुंबई पहुंचते पहुंचते 1 बज जाएगा, फिर वहीं से सुबह ऑफिस। सारी जिंदगी झंड हो रखी है। ये प्राइवेट जॉब से तो सरकारी नौकरी अच्छी है, कम से कम टाइम की लिमिट तो होती है। यहाँ तो टाइम की कोई लिमिट ही नहीं है। यदि कल ऑफिस के लिए लेट हो गया तो हाफ डे लगा देंगे, मगर ये नहीं देखेंगे कि कल देर रात तक ऑफिस की मीटिंग अटेंड की है। विभा खुद से बातें कर ही रही थी तभी उसके फोन पर उसके बॉयफ्रेंड और उसके कलीग वैभव का फोन आया। विभा, कहाँ हो तुम? अभी तक निकली या नहीं? कितनी देर में आओगी? यार वैभव, तुम भी गजब करते हो। तुम्हें पता है ना, 8 बजे तो मीटिंग ही चल रही थी, उसके बाद होटल जाकर फ्रेशन अप हुई और वहां से निकली हूँ। 1 बजे तक ही पहुँच पाऊंगी। कितनी बार कहा है ड्राइवर को साथ लेकर जाया करो, मगर तुम्हें तो अकेले गाड़ी ड्राइव करने का शौक है। अब तुम मोबाइल को ब्लूटूथ से कनेक्ट करो और मुझसे बात करती रहो,
तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी चिंता हो जाती है। प्लीज वैभव, डोंट ट्रीट मी लाइक अ किड। वैसे ही मेरा मूड ठीक नहीं है, मीटिंग भी कुछ खास नहीं रही। मैं अभी बात नहीं कर रही, घर पहुंचकर मैं फोन करती हूँ। लिसन यार, मैं तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरी फीलिंग तो समझो, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। फिक्र करने से मैं जल्दी तो नहीं आ जाऊंगी, सुबह तुम्हारा ऑफिस है, सुझाओ सुबह मिलते हैं। कहते हुए विवाह फोन रखी रही थी कि अचानक उसकी गाड़ी की डिक्की पर कुछ गिर गया। उसकी चीख सुनकर वैभव बोला, क्या हुआ? देखो मैं बोल रहा था ना, तुम अकेली रहती हो तो मुझे चिंता होती है। तुम फोन रखो, मैं चेक करके देखती हूँ क्या है। बस यही तो डर लग रहा था, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई पुणे हाईवे पर एक लड़के का शव मिला था। कोई जानवर था या ना जाने कौन, शरीर पर मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था, केवल कंकाल बाकी था। गाड़ी से बाहर मत निकलो, चुपचाप गाड़ी चलाओ। प्लीज स्टॉप योर नॉनसेंस, ओके? सारा दिन यूट्यूब पर हॉरर स्टोरी देखकर खुद भी डरते हो और दूसरों को भी डराते हो। मैंने पहले भी कहा है, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता है। कहते हुए उसने फोन रख दिया और फिर गाड़ी साइड लगाई। गाड़ी से बाहर निकल कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। इतनी तेज आवाज थी मगर डिक्की को खरोच भी नहीं आई थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि यह कैसे हो सकता है, पत्थर या जो भी था वो काफी तेज गिरा था। वो गाड़ी को आसपास से देखकर वापस पलटी ही थी कि अचानक से उसके ऊपर एक बड़ी सी मकड़ी गिरी, जिसे उसने झटका देकर हटाया। मकड़ी का आकार देखकर वो बोली, इतनी बड़ी मकड़ी, ये तो अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है, पुणे के जंगलों में कहां से आ गई। वो वापस गाड़ी में आकर गाड़ी चालू करके कुछ दूर चली ही थी कि अचानक सामने से एक बूढ़ी औरत आ गई। विवाह हैरानी से उसकी ओर देखने लगी क्योंकि कुछ सेकंड पहले पूरी रोड खाली थी। अचानक से एक बूढ़ी औरत कहां से आ सकती है? विवाह गुस्से में उसकी ओर देखते हुए बोली, अम्मा जी, मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी, साइड हटो, वैसे ही देर हो रही है। वो विवाह के सामने आकर बोली, मुझे आगे तक अगले गाँव जाना है, रात हो गई है, कोई बस नहीं मिल रही, क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगी? इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? वो बुढ़िया बिना कुछ कहे धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। विवाह को वैसे ही देर हो रही थी तो उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे अंदर आने का इशारा कर दिया। वो बूढ़ी औरत चेहरे पर मुस्कान लिए कार के अंदर बैठ गई। इतनी रात गई यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हो? सुना है यहाँ पर शैतानी आत्माएं एक साथ भटकती हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने किसी को कहा था मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करती हूँ। नहीं करती हो तो कोई बात नहीं, जल्द ही करने लगोगी। विवाह को बुढ़िया की बातें समझ नहीं आई। अभी कुछ दूर चले ही थे कि बुढ़िया के शरीर में परिवर्तन होने लगा। अभी तक जो हाथ पैर झुर्रियों वाले थे उसके हाथ पैरों में कसावट के साथ चमक आ गई। पोपले से मुंह में बड़े बड़े दांत थे। अभी थोड़ी देर पहले जिस मुंह से धीरे धीरे आवाज निकल रही थी वो अचानक से जोर जोर से हंसने लगी। विभा उसकी ओर देखकर डर गई। अभी थोड़ी देर पहले जहाँ एक निरीह बुढ़िया थी उसकी जगह एक चुड़ैल बैठी हुई थी। अचानक उसे अपने सामने देखकर विभा अपनी गाड़ी का संतुलन नहीं बना पाई और उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। कुछ सेकंड्स के बाद जैसे ही विवाह कुछ नॉर्मल हुई गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश करने लगी, मगर दरवाजा पूरी तरीके से जाम था। कोशिशों के बावजूद दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसे कुछ दिन पहले देखी गई मूवी का सीन याद आने लगा। चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। मौत को अपनी गाड़ी में बैठा कर जिंदगी की तलाश कर रही है, ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, तुझे तो अभी हमारी प्यास बुझानी है। बहुत दिनों के बाद किसी जवान लड़की का खून पीने को मिलेगा, मेरा शिकार कभी जिंदा नहीं बचा। कहते हुए उसने विवाह के हाथों पर नोच दिया। उसके हाथों से निकलता हुआ खून पीते हुए वो मुस्कुरा रही थी। अचानक एक झटके से गाड़ी का दरवाजा खुल गया। वो गाड़ी से निकल कर भागने लगी। पीछे पड़ी चुड़ैल उसे देखकर जोरों से हंस रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उसने मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। एक पेड़ के नीचे खड़े होकर वह गहरी सांस लेने लगी। तभी वो चुड़ैल पेड़ पर से उल्टा लटक कर उसके सामने आ गई। उसे देख विवाह चीखते हुए भागने लगी।
थोड़ी दूर जाकर वो एक पत्थर से टकरा कर गिर गई। उसे अपने शरीर पर किसी चींटी के चलने का एहसास होने लगा। उसने अपने हाथों को झटका तो वहां पर बड़ी मकड़ी थी। उस मकड़ी से डर कर वो खड़ी हो गई। उसकी हालत देखकर चुड़ैल जोरों से हंस रही थी। दूर खड़ा वैभव भी मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ, तुम तो इन सब चीजों पे यकीन नहीं करती हो, फिर डर क्यों रही हो? कहते हुए वो भी हंसने लगा। अचानक विभा की नींद खुल गई। वो जंगल में नहीं बल्कि अपने पलंग पर थी। उसके फोन पर वैभव का फोन आया। क्यों विभा, कैसा रहा तुम्हारा अनुभव? अब तो यकीन करोगी कि आत्मा होती है या अभी भी नहीं? कहते हुए वो जोरों से हंस रहा था। विभा की निगाह अपने कमरे की खिड़की पर पड़ी तो वहां पर वो बड़ी मकड़ी चल रही थी। विभा को तो यकीन हो गया कि भूत प्रेत होते हैं। आप भूत और प्रेत आत्माओं पर यकीन करते हैं या नहीं? हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।